दोनों चोरी आराम करो। क्यों नहीं मेरे भाई, उसकी बात मेरा को यात्रा सोचेंगे प्रधान। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो प्रधान, चलो मेरे भाई। पूजा करने के लिए तुम पूजा करेगा कि पूजा करने वाला और कोई है? कोई और है, लेकिन हम लोग फूल तोड़ के आए हैं। क्या नाम है उसका? महारानी है। महारानी है, भाग्य अभिनंदन मेरे भाई। देहरा, मैं जो सोच रहा था वही बात मिल गया प्रभात। अच्छा, इस समय ये भाभी नैना पाली का फूल लोड़ने वाली सब है। ये पाली लोग फूल लोड़कर शिव बाबा की मंदिर में जा रहा है प्रभात। ये बाली लोग है नागिन सोना की? क्या नहीं। अच्छा, क्या ये बतलाया है? क्या नहीं प्रभात, क्या तुम ही लोग मालिन हो? जी हाँ। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? हम लोग नैना के वासी। अच्छा, एक नागिन सोना की साथ तुम लोग आई हो? जी हाँ। इस बगीचे में आने की कारण? फूल लोड़ने के लिए तो आई है। उदयचंद मेरे भाई, हाँ अभिनंदन, मुझे भी पता चला ये लोग सही शहर नैना वाली है, ये जात की मालिन है। क्या सोना के लिए फूल लोड़ने के लिए आई है? क्या नहीं भाग्य अभिनंदन। और इससे पूछो सोना कहाँ है? ये फूल लोड़ने वाली माली, बोलो बातें क्या है? ये बताओ कि तुम्हारा महारानी जो है सोना नाम है? क्या सोना नाम बताया था? सही बात है भाई अभिनंदन। जरा गौर से सुनेंगे आप भी, क्या ये कहां मिलेगा तुम्हारा महारानी? मेरे महारानी अपने अंदाज में बैठी है, हम लोग उनके फूल तोड़ के महारानी जी को लेती हूँ, शिव बाबा को जाके पूजा करते बात है क्या आपको बोलिए? अच्छा, तुम्हें फूल तोड़ कर लेकर जाएगा तुम्हारा महारानी, शिव बाबा का पूजा करेगा। कितना समय में आएगा? अभी आने वाली है वो। क्या तुम्हारा मालूम नहीं है? ये मेरे बदलाव, तुम इतने बात क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि तुम्हारा मन कहीं कब आएगी? बातें क्या है? बातें क्या है वो तुम सुनेगा तो खुद ही फिदा हो जाएगा। समझ गया ना?
तो ठीक है, समय है नहीं जो मैं उतना बदलाऊंगा, तुम लोग चलो श्री बाबा की मंदिर पर। ओ मुझे भैया थोड़ा मेरे बात भर कर सुनिए। हाँ हाँ Yeah.
जाकर कह दो अपनी महारानी से कि आपका देवर जी उड़ल शहर मोहब्बत से आ गया है, आपसे मिलने के लिए मेला में बुलाया है। ठीक है, मैं बता दूंगी। समझ गया? समझ गई। और तुम लोग भी रहना, इस समय ये भगवा की समय है, रंग अबीर चलेगा। समझ गया ना? समझ गई मैं। ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो और जाकर अपनी महारानी से कह दो। हाय देवनंदन, उदय चंद इस समय बैठे तब्बू की पास दोनों जोड़ी। क्यों देखता हूं भाभी मुझे नैना वाली जाती है या नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं मेरे भाई? बैठिए बुढ़ा। नालीन, क्या हुआ? इतनी देर तू लोग क्यों लगा दी? महारानी जी, हम लोग बगीचे में गए थे, लेकिन दो चार लड़का लफा लफो लफंडर है ना। अच्छा, और बहुत बदमाशी कर रहा था। ठीक है, तू लोग साथ हो जाओ, मैं उनसे मैं बात करूंगी। ठीक है महारानी। उससे जाओ तू, बोल दो कि मेरी महारानी आई है, उनसे जाकर के बात कर लो। यो महाराज जी, हमारी महारानी आई है, उनसे बात करो। अच्छा, क्या देवा, ये सामने मेरे माँ मेरी भाभी नैना पाली सामने आ गया है प्रधान। क्यों नहीं उदय चंद, इस समय टोकने में भी शर्म लगता है। देवा, आप तो ज्ञानी लोग हैं मेरे पंडित, आप कुछ बातें चीते भाभी से करो। ठीक है, सोना ये बताइए, आप सोने सोने कर रहे हैं, आप कहां का रहने वाले हैं, क्या नाम है? सोना, अगर तू पूछ रही है तो मैं भी सचमुच बता रहा हूं, हम लोगों का घर शहर मोहब्बा है। अच्छा, ये पहले जो तुझसे बात किया उसी का नाम उदय चंद है। अच्छा, और मैं उसी का साथी, मेरा नाम देवानंद है, मैं जात की ब्राह्मण हूं। क्यों नहीं? सुना, तुम्हारा भैया छोटक एक टीका लेकर किला किला में घूम रहा था, तुम्हारा भैया के डर से किसी सुबह का हिम्मत नहीं हुआ, ये उदल और देवा जंगल में शिकार खेल रहा था, तुम्हारा भाई छोटक वापस आ रहा था, उदल ये तुम्हारी टीका उदल अपना भैया अल्लाह के नाम पर छोटक से छीन चुका है, इसी के कारण उदल आया है ये सिंहपुर मेला के पास। क्यों नहीं? अगर तू राजी है तो उदल से बात करो, नहीं तो हम लोग वापस चले जाएंगे। ठीक है, मैं उनसे कुछ बात करने के लिए चाहती हूं। क्यों नहीं उदय चंद, मेरे भाई
सब कुछ पूछ चुका हूं, क्या नहीं प्रधान? सही, यही नवीन सोना है, वे सोना कही जो मैं उदल से कुछ बातचीत करूंगी। क्या नहीं भाई रघुनंदन? अब ये तुझसे बात करेगी। क्या नहीं, अब थोड़ा साइड हो जाइए प्रधान। आओ सोना, ए अब तू उदल से बात करो। क्या नहीं, ए बताइए राज मोहब्बे की आप रहने वाले, आप ही को नाम उदय चंद है? क्या नहीं, मुझे नाम डाकू उदल सिंह दुनिया वालों कहते हैं। मैं जो चाहती थी वे मेरे सारी को सारी ईश्वर सुन लिया। मुझे प्रतिज्ञा जो थी वे पूरा हो जाएगी। देवर जी, भाभी जी, इस रोज से मैं पैदा राज नैना के बीच लिया। क्या नहीं, मैं इतना ही मिनती दीना नाथ से मैं करती थी। क्या नहीं, मेरे सासुर राज महत्ति के अंदर हो। अच्छा, मेरे ससुर जी इस समय बिरजासर हो। क्या नहीं, देवला हो, देवर हो तो उदय चंद की जैसा। क्या नहीं, यव तो हरे यव करन मामा मोहना। अच्छा, भौजी माए पापा दिया गलियई है भाभी, छोड़ दलियई मोहबासन सो हरे समान मोहना सुगसी मारा
मेरी भैया प्रेम की चंडाल है क्या नहीं, ऐसे मैं यहां से कैसे जा सकती हूँ। आप जो इसमें अच्छा हो वही कीजिएगा भाभी। कहती हूँ आपके साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं भाभी, आप उदर सिंह का साथ देने वाले हैं तो दुनिया काल क्या मुझे बिगाड़ेगा भाभी। क्यों नहीं, रह गया बात तुम्हारे भाई का तो देखा जाएगा। उदल सिंह है और सुबह इंदल है। ठीक है देवर जी। क्या रहे भाभी, इस समय मैं अंतरात जा सकती हूँ? क्या रहे भाभी, आप अंतरात जा सकते हैं लेकिन उससे पहले जो दोनों देवर भाभी प्रीत किए हैं उसका निभाना पड़ेगा। देवर जी कहता है प्रीत करो तो पहले कहना। क्या नहीं, अनरीत कहना तो पहले कहना। जिस नैन से तुमने प्यार किया उस नैन को बीच सदा रहना। क्या नहीं भाभी, लेना वाली सही बात है। उदयचंद भाई गए लंदन, सुनो जी अगर भाभी बनाकर ले जाना है शहर महोबा का अंदर, इसे डोला को घेर करके यहां रखो। क्या नहीं प्रधान, और गांधी लोक मानिन लोक से जाकर के कह दो जो वे किलेदार इंद्र सुबह को जाकर खबर कर देना। क्या नहीं सही बात है, जो तुम्हारी बहन सोना को डोला घेर कर उदल मेला सिंहपुर में रखा है। ये मानी लोग चलो इधर आओ, आप मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। हमको पहचान गए, महारानी को देवर जी हो। क्यों नहीं, तुम लोग मुझे साली जी है। क्यों नहीं सही बात है, ये समझते हो ये कौन सा समय है? ये फागुन का समय है, तो फागुन में क्या होना चाहिए? रंग अभी सही बात है। अभी तुम जाओ तुम लोग और जाकर तो अपने महाराज से कह देना जो शहर मोहब्बा का उदय सिंह शिव बाबा की मंडिल पर आपको बहन जो सोना जो है उसका डोला को थाम लिया है। समझ गया ना? चलो जाओ कह देना। ठीक है भाभी सोना। देवर जी अब तो तू उदल को साथ जाने के लिए तैयार हो? हाँ देवर जी। सोना तुम्हारा ही जीत से जीत होगा, तुम्हारा ही हार से उदल का हार हो जाएगा। अब तूने जिसका बाह पकड़ लिया उसे साथ छोड़ना नहीं। कवि ने कहा जो प्रीत करो तो निर्वाह करो, अनरीत करो पहले कहना। जिस नैना से प्रीत करो उस नैना के बीच सदा रहना। सोना तू उदल को छोड़ना नहीं, ठीक है? उदयचंद मेरे भाई, भाभी सोना अब तो तुझे उदल डोला घेर कर रखा है, अब तू चलो अंदर में। क्यों नहीं देवर जी, यहां से चलिए। जब तक मैं रहूंगी मेरे देवर जी रहेगा, मैं देवर जी को साथ दूंगी। देवर जी जो कहेगा मैं उतना ही बात को करूंगी। क्यों नहीं चलो
बेटा मैं किला नैना में तुम्हारे लिए आया था, समझ गया ना? क्यों नहीं देवर जी? अगर तुम मिल गया, अगर तुम साथ देने के लिए मुझे तैयार है तो चलो यहाँ से, मैं तुम्हारा डोला लेकर शहर मोहब्बा चल रहा हूँ। क्या नहीं देवर जी? आते अभिनंदन, घोड़ा बिंदला को बैठा, भाभी को रेलिए कार, चलो सगुनिया मोहबार को रात करके हमारे रिलीज हो गया है पति को क्या? महारानी से कि आपका देवर जी उड़ल शहर मोहब्बत से आ गया है, आपसे मिलने के लिए मेला में बुलाया है। ठीक है, मैं बता दूंगी। समझ गया? समझ गई। और तुम लोग भी रहना, इस समय ये भगवा की समय है, रंग अबीर चलेगा। समझ गया ना? समझ गई मैं। ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो और जाकर अपनी महारानी से कह दो, हाय देवनंदन, उदय चंद इस समय बैठे तब्बू की पास, दोनों जोड़ी क्यों देखता हूं भाभी मुझे नैना वाली जाती है या नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं मेरे भाई? बैठिए बुढ़ा। नालीन, क्या हुआ इतनी देर तू लोग क्यों लगा दी? महारानी जी, हम लोग बगीचे में गए थे, लेकिन दो चार लड़का लफा लफो लफंडर है ना। अच्छा, वो बहुत बदमाशी कर रहा था। ठीक है, तू लोग साथ हो जाओ, मैं उनसे मैं बात करूंगी। ठीक है महारानी। उसे साथ तू बोल दो कि मेरी महारानी आई है, उनसे जाकर के बात कर लो। यो महाराज जी, हमारी महारानी आई है, उनसे बात करो। अच्छा, क्या देवा, ये सामने मेरे माँ मेरी भाभी नैना वाली सामने आ गया है प्रधान। क्यों नहीं उदय चंद, इस समय टोकने में भी शर्म लगता है, देवा
या तो ज्ञानी लोग हैं मेरे पंडित, आप कुछ बातें चीते भाभी से करो। ठीक है, सोना ये बताइए, आप सोने सोने का रहे हैं, आप कहां का रहने वाले हैं, क्या नाम है? सोना, अगर तू पूछ रही है तो मैं भी सचमुच बता रहा हूं, हम लोगों का घर शहर मोहब्बा है। अच्छा, ये पहले जो तुझसे बात किया उसी का नाम उदय चंद है। अच्छा, और मैं उसी का साथी, मेरा नाम देवानंद है, मैं जाति की ब्राह्मण हूं। क्यों नहीं? सोना, तुम्हारा भैया छोटक एक टीका लेकर किला किला में घूम रहा था, तुम्हारा भैया के डर से किसी सुबह का हिम्मत नहीं हुआ, ये उदल और देवा जंगल में शिकार खेल रहा था, तुम्हारा भाई छोटक वापस आ रहा था, उदल ये तुम्हारी टीका उदल अपना भैया अल्लाह की नाम पर छोटक से छीन चुका है, इसी के कारण उदल आया है ये सिंहपुर मेला के पास। क्यों नहीं? अगर तू राजी है तो उदल से बात करो, नहीं तो हम लोग वापस चले जाएंगे। ठीक है, मैं उनसे कुछ बात करने के लिए चाहती हूँ। क्यों नहीं? उदय चंद मेरे भाई, मैंने सोना से सब कुछ पूछ चुका हूं, क्या नहीं प्रधान? सही, यही नागिन सोना है, वे सोना कही जो मैं उदल से कुछ बातचीत करूंगी। क्या नहीं भाई नंदन? अब ये तुझसे बात करेगी। क्या नहीं? अब थोड़ा साइड हो जाइए प्रधान। आओ सोना, ए अब तू उदल से बात करो। क्या नहीं? ए बताइए, राज मोहब्बे की आप रहने वाले, आप ही को नाम उदय चंद है? क्या नहीं? मुझे नाम डाकू उदल सिंह दुनिया वालों कहते हैं। मैं जो चाहती थी वे मेरे सारी को सारी ईश्वर सुन लिया, मुझे प्रतिज्ञा जो थी वे पूरा हो जाएगी। देवर जी, भाभी जी, इस रोज से मैं पैदा राज नैना के बीच लिया। क्या नहीं? मैं इतना ही मिनती दीना नाथ से मैं करती थी। क्या नहीं? मेरे सासुर राज महत्ति के अंदर हो। अच्छा, मेरे ससुर जी इस समय वीर जासर हो। क्या नहीं? देवला हो, देवर हो तो उदय चंद की जैसा। क्या नहीं? यव तो हरे यव करन मामा मोहना। अच्छा, नैना कार ना करिया प्यारा त्याजा पई। गलिए है भाभी,
होई दली मोहबासन सो अरे जी है तो हार यही का रंग मामा ना मोहना संग जाय सा हेलिया दौरा ते जाबे इसे डोला को
घेर करके यहाँ रखो। क्या नहीं प्रधान और गांधी लोक मानिन लोक से जाकर के कह दो, जो वे किलेदार इंद्र सुबह को जाकर खबर कर देना। क्या नहीं सही बात है, जो तुम्हारी बहन सोना को डोला घेर कर उदल मेला सिंहपुर में रखा है, यह मान लो। चलो इधर आओ, आप मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। हमका पहचान गए, महारानी को देवर की हो। क्या नहीं तुम लोग मुझे साली जी है। क्या नहीं सही बात है, ये समझते हो ये कौन सा समय है? ये फागुन का समय है, तो फागुन में क्या होना चाहिए? रंग अभी सही बात है, अभी तुम जाओ तुम लोग और जाकर तो अपने महाराज से कह देना, जो शहर मोहब्बा का उदय सिंह शिव बाबा की मंडिल पर आपको बहन जो सोना जो है उसका डोला को थाम लिया है। समझ गया ना? चलो जाओ, कह देना ठीक है। भाभी सोना देवर जी, अब तो तू उदल को साथ जाने के लिए तैयार हो? हाँ देवर जी। सोना तुम्हारा ही जीत से जीत होगा, तुम्हारा ही हार से उदल का हार हो जाएगा। अब तूने जिसका बाह पकड़ लिया उसे साथ छोड़ना नहीं। कवि ने कहा, जो प्रीत करो तो निर्वाह करो, अनरीत करो पहले कहना, जिस नैना से प्रीत करो उस नैना के बीच सदा रहना। सोना तू उदल को छोड़ना नहीं, ठीक है? उदयचंद मेरे भाई, भाभी सोना, अब तो तुझे उदल डोला घेर कर रखा है, अब तू चलो अंदर में। क्यों नहीं देवर जी, यहां से चलिए। जब तक मैं रहूंगी मेरे देवर जी रहेगा, मैं देवर जी को साथ दूंगी, देवर जी जो कहेगा मैं उतना ही बात को करूंगी। क्यों नहीं चलो? समझ गया ना? क्यों नहीं देवर जी, अगर तुम मिल गया, अगर तुम साथ देने के लिए मुझे तैयार है तो चलो यहां से, मैं तुम्हारा डोला लेकर शहर मोहब्बा चल रहा हूं। क्यों नहीं देवर जी, आगे अभिनंदन घोड़ा बिंदला को बैठा, भाभी को रेलवे कार चलो सगुनिया मोहब्बत को रात संगमे
से प्रोग्राम खत्म करके हमारे रिलीज हो गया है।